MDH, जिसे शायद हम लोग बचपन से ही मिर्ची धनिया हल्दी की फुलफॉर्म समझते थे, मगर एक्चुअल में इस कंपनी की फुलफॉर्म ये नहीं है, बल्कि इसकी फुलफॉर्म है महाशिंदी हट्टी, जिसकी आज की डेट में एस्टिमेटेड टर्नओवर 500 करोड़ से भी ऊपर है। और गाइज, इस कंपनी को महाशय चुनीलाल गुलाटी जी ने शुरू किया था साल 1990 में, व्हेन महाशय चुनीलाल गुलाटी एस्टैब्लिश अ मसाला कंपनी इन सियालकोट, जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंडर में शुरू हुई थी, और ये आज करंटली पाकिस्तान के सियालकोट में ये जगह एक्जिस्ट करती है, मगर ऑफिशियली MDH इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी साल 1959 में। तो चलो जानते हैं आखिर कैसे एक तांगे वाला इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद माइग्रेट होकर दिल्ली आ गए थे अपनी फैमिली के साथ, एंड ही इनिशियली स्टार्टेड अ स्मॉल स्पाइस सेलिंग वेंचर बिफोर ओपनिंग अ शॉप अंडर द नेम महाशिंदी हट्टी इन करोलबाग दिल्ली इन 1953। लेकिन इनकी ये शॉप लीगली इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। फिर साल 1959 में धर्मपाल गुलाटी ने कीर्ति नगर में एक लैंड परचेस की, और उसके बाद उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश की, जिसको मार्केट में एज ए MDH के नाम से एक रजिस्टर कंपनी का नाम मिला। मगर इनके स्पाइसेस की पहचान 1990 से ही मार्केट में थी, जब इन्होंने पाकिस्तान के सियालकोट में से शुरू किया था। आज MDH मार्केट में एक जाना माना ब्रांड है, जिसकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी और इनोवेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन पर लोग भरोसा करते हैं। MDH के मसालों की आज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत डिमांड है। धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म साल 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। धर्मपाल गुलाटी जी ने अपनी पढ़ाई सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक ही की थी। इसके बाद उन्होंने कई जगह नौकरी भी की, जैसे कि कारपेंट्री का काम, उन्होंने अपने फादर की शॉप ज्वाइन करने से पहले चावल बेचने का भी काम किया था, और फिर 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने फादर के साथ मिलकर महाशिंदी हट्टी में काम करना शुरू कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे धर्मपाल गुलाटी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आया था। पार्टीशन के बाद ही अपनी कुछ सेविंग्स लेकर फैमिली के साथ इंडिया आ गए थे, और उन्होंने उस टाइम पे सिर्फ 1500 रुपये में एक तांगा खरीदा और उसे दिल्ली में चलाना शुरू किया, ताकि वो अपनी आर्थिक परेशानियों से लड़ पाएं और अपनी फैमिली की लाइफ को भी सुधार पाएं। साल 1984 में धर्मपाल जी अपने ब्रांड के नेम से जाने गए, टू अपीयरिंग इन अ मेमोरेबल टेलीविजन कमर्शियल विद द टैगलाइन लाइक असली मसाले सच MDH। इसी चीज़ से लोगों का दिमाग में उनका चेहरा और उनके ब्रांड की पहचान पूरी तरह बस गई। टुडे MDH कंपनी बोस्ट अ 12% मार्केट शेयर इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट इट प्रोडक्ट्स ओवर टू द 60 कंट्रीज। इनके इसी प्रेस्टिजियस कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि इन्हें मिला था साल 2019 में। गाइज, MDH कंपनी का पूरा नेम है महाशिंदी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारे भारत में 2nd हाईएस्ट लार्जेस्ट स्पाइसेस मार्केट शेयर रखती है। आज की डेट में MDH कंपनी के पास 62 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इन ओवर 150 डिफरेंट पैकेजेस। और दोस्तों, धर्मपाल गुलाटी जी इस कंपनी का नाम से ही उन्होंने 20 से भी ज़्यादा स्कूल डेवलप कर दिए हैं, लाइक MDH इंटरनेशनल स्कूल, महाशय चुनीलाल सरस्वती शिशु मंदिर, और इस स्कूल का नाम उन्होंने अपने फादर के नाम पर रखा है। एंड ही स्टार्टेड अ 10-बेड आई हॉस्पिटल एट आर्य समाज सुभाष नगर इन नवंबर 1975। MDH कंपनी का इबिट्टा का परसेंटेज लास्ट फाइनेंशियल 2022 में 50.39% बढ़ा है, जो कि इंडिकेट करता है कि इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी रेशियो बहुत ही अच्छा है। और उसी साल MDH कंपनी की नेटवर्थ 16.48% से बढ़ी है, जो कि एक हेल्दी फाइनेंशियल रिजर्व और एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ प्रिपेयर की गई थी। चलो थोड़ा सा जानते हैं MDH कंपनी के फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड सेल्स एनालिसिस को। ये कंपनी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है और एक प्राइवेट एंटिटी है, जो कि फूड इंडस्ट्री में डील करती है, एंड देयर कोर प्रोडक्ट्स आर ग्राउंड एंड ब्लेंडेड स्पाइसेस केटरिंग टू बोथ इंडिविजुअल कंज्यूमर नीड्स एंड बल्क डिमांड फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड फूड मैन्युफैक्चरर्स लाइक होल स्पाइसेस, ग्राउंड स्पाइसेस, ब्लेंड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक सैफरन एंड पिकल। नाउ चलो जानते हैं कि आखिर कैसे MDH कंपनी एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल मॉडलिंग के साथ काम कर रही है। नंबर वन इज इंटरनल फाइनेंसिंग मॉडलिंग एट MDH, जो कि बजटिंग, सेल फॉरकास्टिंग, सेल प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएटिंग, प्राइस स्ट्रेटजीज एंड मार्केटिंग कैंपेन्स पे ये कंपनी काम करती है। नंबर टू, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द स्पाइस इंडस्ट्री। इस चीज में कंपनी की ओवरऑल मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल को इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें कंपनी के कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप को एनालाइज किया जाता है और डिफरेंट मार्केट शेयर को भी अंडरस्टैंड किया जाता है इन डिफरेंट रीजन्स। And it is also assess the impact of factors like raw material spices, consumer preferences and regulation on the industry. नंबर थ्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये कंपनी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, डेप्ट लेवल्स, एडवर्टीजमेंट, स्टॉक प्राइस ओवर द टाइम, इन सभी चीज़ों पे बहुत ही डिटेल तरीके से काम करती है। वेल गाइज, अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।